हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनीतास किचन। आज का थैंक्स वीडियो मेरे व्यूअर्स के लिए है, जिनकी वजह से आज हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। आपने जो मेरी रेसिपीज लाइक की, शेयर की, कमेंट्स किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो चुका है। इसका क्रेडिट मैं पूरा अपने व्यूअर्स को देना चाहती हूँ। इसी तरह आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी रेसिपीज पसंद करते रहें, शेयर करते रहें। एक चीज़ और, इसका क्रेडिट मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया रिकॉर्डिंग करने के वक्त, और मुझे इजीली रिकॉर्डिंग करने दी, जिस वजह से ये रेसिपीज मैं टाइमली बिल्कुल पोस्ट कर पाई हूँ अपने चैनल पे। जो रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं कुछ रेसिपीज, और कुछ रेसिपीज मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ उसमें हेल्दी बनाऊँ, जो बच्चों के लिए भी हेल्दी हो, हम सबके बड़ों के लिए भी हेल्दी हो। जैसे लेटेस्ट मैंने वेनीला आइसक्रीम बनाई थी, जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर की जगह लौकी यूज की थी। लौकी भी थी हाँ, लौकी भी थी। इनको पता नहीं है, इन्होंने खा ली, इनको बहुत अच्छी लगी, और आज इनको पता चल रहा है कि उसमें लौकी भी थी। हाँ, लौकी भी थी उसमें। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करूँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करूँ। मैंगो आइसक्रीम में भी जैसे मैंने कद्दू यूज किया था, कद्दू भी था उसमें, तो बट बहुत टेस्टी बनती है। कुछ उसमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ ऐसा डाला है। वैसे नॉर्मली बच्चे खाते नहीं है, बट कुछ उनकी फेवरेट चीज मिल जाए और उसमें हम कुछ थोड़ा हेल्दी इंग्रेडिएंट डाल दें, तो चीज और अच्छी हो जाती है, हेल्दी भी और डिलीशियस भी हो जाती है। तो इसी तरह हम रेसिपीज देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करें, फीडबैक दें मुझे। आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।